देखिए श्रीलंका में हालात खराब हो रहे हैं। श्रीलंका में मचे घमासान का सबसे ज्यादा असर सप्लाई चेन पर पड़ा है, जिससे खाने पीने की चीजें लोगों तक पहुंच नहीं पा रही हैं। जो पहुंच रहा है वो इतना महंगा है कि लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। देखिए टीवी 9 भारतवर्ष की ये ग्राउंड रिपोर्ट। श्रीलंका में उठे राजनीतिक और आर्थिक संकट के बीच सबसे बड़ी चिंता श्रीलंका वासियों की महंगाई है। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है डीजल और पेट्रोल की सप्लाई ना होने की वजह से कि सप्लाई चेन प्रभावित हो गई है और जो कुछ भी खाने पीने का सामान है वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। हम इस वक्त श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के सबसे बड़े अनाज मार्केट में हैं, अनाज मंडी में हैं और आप देखिए कि चावल के रेट, क्योंकि श्रीलंका में चावल सबसे ज्यादा खाया जाता है और चावल के दाम कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। मिनिमम जो आपको चावल मिलेगा वो 230 रुपए का है। सबसे पहले देखिए महंगाई की जो हालत है इस समय श्रीलंका में, महंगाई अपने चरम पर है। डीजल पेट्रोल की सप्लाई ना होने की वजह से जो सप्लाई चेन है वो बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। जो माल जहां पर रुका है वहां से आगे नहीं बढ़ पा रहा है और जहां पर स्टॉक बचा हुआ है वहां के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और बढ़ते हुए दामों की तस्दीक करती ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा। दाम 60 से 70% बढ़ गए हैं और हालात क्या है वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। कैमरा पर्सन मदन के साथ विपिन चौबे, टीवी 9 भारतवर्ष, कोलंबो, श्रीलंका।